हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, अगर आपको भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ इस तरह से एरर आपको देखने को मिल रहा है, सिस्टम यूआई इज़ नॉट रिस्पोंडिंग, तो गाइज आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में गाइज मैं आपके लिए इस एरर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले गाइज आप सभी को यहाँ पे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको आपके मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाने के बाद आपको ये ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना होगा। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोडिंग होने तक के लिए थोड़ा वेट कर लेना होगा और वेट कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा सिस्टम यूआई। तो गाइज आपको यहाँ पे सिस्टम यूआई को सर्च कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम यूआई पे टैप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सॉरी गाइज, आपको यहाँ पे क्लियर कैचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर कैचे पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फोर स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फोर स्टॉप के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना होगा और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा सिक्योरिटी। तो गाइज आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को सर्च कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला फोर स्टॉप और सेकेंड अनइंस्टॉल अपडेट और थर्ड क्लियर डेटा। तो गाइज आपको यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करना होगा और आपको क्लियर कैचे पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो आपको क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करना होगा और ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपको बैक आ जाना होगा और आप सभी को आपके मोबाइल के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा और आप सभी को यहाँ पर आपके मोबाइल को आपको रिबूट कर लेना होगा। अगर आपको आपके मोबाइल में रिबूट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता तो आपको यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपके मोबाइल में आपको रिस्टार्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता तो आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करके ऑन कर लीजिए। उसके बाद गाइज आपकी प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगी, आपको कोई एरर देखने को लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।